जनता को जब कोई दिक्कत होती है कानूनी मदद लेने के लिए पुलिस के पास जाती है, मगर अगर खुद पुलिस वाला ही मुश्किल में फंसा हो, कहीं से उसकी मदद ना मिल सके उसको, तो फिर क्या कहा जाए। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया एक सब इंस्पेक्टर के साथ में। भू माफियाओं से इस कदर वो शख्स परेशान है कि धरना देने पर मजबूर है। देखते रिपोर्ट। पुलिस करती है दबंगों से रक्षा, यहां तो दारोगा जी मांग रहे सुरक्षा। दारोगा जी के गुहार खतरे में है, जमीन और परिवार। वो माफिया से बचा लो सरकार, धरने पर दारोगा जी। हाथों में बैनर पोस्टर लिए बावर्दी खड़ी ये दारोगा जी यहां जनता को कोई संदेश नहीं दे रहे, बल्कि ये तो खुद ही लगा रहे हैं गुहार कि बचा लीजिए सरकार। हम यहाँ ड्यूटी करेंगे, हम इससे पहले फोर्स पैरामिलिट्री में रह चुके हैं, 5 साल वहाँ ड्यूटी किए हैं सब इंस्पेक्टर। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ दबंग लोग हैं, हमारे घर वालों को मारेंगे पीटेंगे। हम यहाँ ड्यूटी करें तो घर वालों को रक्षा करेंगे। बढ़लगंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राहुल राव जौनपुर जिले के बीरगंज के रहने वाले हैं। 5 साल पैरामिलिट्री में सेवा देने के बाद प्रदेश की पुलिस में शामिल हुए, लेकिन अब दर्द की दास्ता ये कि जमीन और जान दोनों पर खतरा है। दबंगों के आगे प्रशासन नतमस्तक है, क्योंकि दबंग भूमाफिया खुद को सत्ता वाली पार्टी का नेता बताता है। दारोगा जी ने हर अधिकारी की चौखट पर चिरौरी कर ली, और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सीएम से गुहार लगाते हुए मजबूरी में अम्बेडकर मूर्ति के पास धरना देने को मजबूर हो गए। बोलते हैं कि हमारा शासन प्रशासन कुछ नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम सत्ता में। इसके बाद जबरदस्ती बना रहे हैं, मैंने वहाँ के सचिव से बात किया। कौन सा थाना है आपका? थाना मीरगंज, जौनपुर का मीरगंज थाने में मैंने सचिव से बात किया। सचिव ने भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है। फिर मैंने सीओ साहब से बात किया, सीओ साहब ने कहा मैं दरोगा जी को बता रहा हूँ। फिर मैंने एसपी साहब से बात किया, आईजी साहब से बात किया, फिर मैंने अपने एसएसपी साहब से बात किया, एसएसपी साहब से बात नहीं हो पाई, उनके पीए ने फिर फोन काट दी। फिर हम हताश हो गए, भाई हमारा कोई सुन ही नहीं रहा था, हम यहाँ पे आ गए। बहरहाल इन तस्वीरों के बाद तो शून्य में समा जाते हैं जनता के सारे सवाल, क्योंकि जब दरोगा जी की रक्षा नहीं हो पा रही तो जनता की सुरक्षा का दावा प्रदेश की पुलिस कैसे करेगी। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।